अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रमज़ान के 30 रोज़े रखने से हमारे शरीर पर क्या असर होता है? इस पर जापानी साइंसदान ने एक बड़ी खोज की है, जिसका जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। जापानी बायोलॉजिस्ट योशोनोरी अशोमी एक साइंसदान हैं जिनको 2016 में मेडिसिन पर नोबल प्राइज़ दिया गया। उनसे जब पूछा गया कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ बनाई है जिसकी बिना पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबल प्राइज़ दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कैंसर की मुमकिन दवा खोज ली है। और इस बात पर दुनिया ने बड़े पुरअंदाज में उनकी काविश को सराहा और मुबारकबाद दी गई। इसके बाद डॉक्टर योशोनोरी अशोमी ने कहा कि मैंने कैंसर की दवा नहीं बल्कि कैंसर से बचाव का हल तलाश कर लिया है। तो लोगों ने उनसे पूछा कि बताइए ऐसा क्या किया जाए कि कैंसर जैसे ख़तरनाक मर्ज से बचा जा सके। तो उन्होंने कहा कि जब हम भूखा रहते हैं तो हमारी बॉडी में मौजूद ग़िज़ाइत ख़त्म होने लगती है, जिसके वजह से जिस्म भूख महसूस करता है। अगर इस भूख के दौरान जिस्म तक खाना ना पहुंचे तो हमारा जिस्म भूख की शिद्दत की वजह से अपने अंदर मौजूद उन जहरीले सेल्स को खाना शुरू कर देता है जो कैंसर का सबब बनते हैं। इस अमल को मेडिकल की लैंग्वेज में ऑटोफेगी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस्म ऐसे बीमार सेल्स से पाक हो तो आपको भूखा रहना चाहिए। जब ऐसे सेल्स मरना शुरू कर देते हैं तो कैंसर का परसेंटेज कम हो जाता है। इसके बाद जापानी साइंसदान से पूछा गया कि इंसान को साल भर में कितने दिन भूखा रहना चाहिए कि उसमें कैंसर ना पाया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर 20 से 25 दिन कम से कम और 9 से 10 घंटे भूखा रहा जाए तो उसकी बॉडी ऐसे तमाम जहरीले सेल्स को खा जाएगी और उसमें कैंसर नहीं होगा। ऐ मेरे प्यारे रब्बे करीम, आज हमें समझ आया कि मोमिन पर रोज़े क्यों फ़र्ज किए गए। और आज मुझे उस अहादीस पाक की भी समझ आ गई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। सुबहान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ ऐसे सच्चे दीन पर जिसने इबादत के अंदर भी बीमारियों का इलाज रखा है। दोस्तों, इस्लाम वो दीन फितरत है जो ज़िंदगी के हर शोबे में राह एतदाल की तालीम देता है। इसलिए आज न सिर्फ मगरिब में ज़्यादा खाने को नापसंद किया जाता है बल्कि इसे इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह समझा जाता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाओ पियो और पहनो और खैरात करो बग़ैर फजूल खर्ची और तकब्बुर किए। दोस्तों, इंसान को खाने की सिर्फ थोड़ी सी मकदार की ज़रूरत है जो इंसानी जिस्म में तवानाई पैदा कर सके, जितनी तवानाई इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और जिससे उसकी सेहत अच्छी रहे और वो अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियाँ पूरी कर सके। इंसानी जिस्म को जितना खाने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जिस्म में दाखिल होने वाला खाना चर्बी बन जाता है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म बढ़ जाता है, उसकी रफ्तार सुस्त हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा थकन महसूस करने लगता है। इसके अलावा इंसानी जिस्म बहुत से अमराज का शिकार भी हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज किए ताकि 11 महीनों के दौरान खाने पीने की बेहतियाती का अजाला हो सके। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रोज़े रखने का हुक्म इन अल्फाज में बयान फरमाया है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहलों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। दोस्तों, कुरान मजीद में बीमार और मुसाफिर के लिए रोज़े मुअख्खर करने और जो रोज़ा ना रख सके उनके लिए फ़िदिया अदा करने का हुक्म दिया है। इसके बाद रोज़ा रखने की हिकमत इन अल्फाज में बयान फरमाई, और तुम्हारे लिए रोज़ा रखना ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। दरअसल यहाँ ये बताया गया है कि अगर तुम मौजूदा इल्म को समझते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम रोज़े रखो, क्योंकि रोज़ा अपने अंदर बेशुमार रूहानी, नफ्सियाती और तिब्बी फ़ायदों को रखता है। रोज़े की तिब्बी अफादियत की तरफ नहायत मुख्तसर मगर जामे इशारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाजों में बयान फरमाया, रोज़े रखो और तंदरुस्त हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करने और सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियोज़ आने तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।